नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये ऑब्जेक्टिव किताब है। ठीक है, और इस किताब से हम लोग जो है हर सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। यह किताब आपका MCQ बेस्ड है। तो अभी हम लोग जो है पॉलिटी का जो है क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करेंगे। पॉलिटी में हम लोग जो चैप्टर नंबर पढ़ेंगे वो आपका है चैप्टर नंबर 13, यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, द यूनियन लेजिस्लेचर चैप्टर नंबर 13। इससे पहले चैप्टर नंबर 12 तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों को देखना है शुरू से आपका MCQ प्रैक्टिस जो है सेट, तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका द पार्लियामेंट से है, विच व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन ए 3 मंथ, ऑप्शन बी 4 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 9 मंथ। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ। तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट 6 मंथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक्ड। तो हाउ आर लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक्ड। ऑप्शन ए इंटरवेंशन फ्रॉम प्रेसिडेंट गवर्नर, ऑप्शन बी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑप्शन सी जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन डी जनरल इलेक्शन। तो सेकंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो हाउ आर दिस लेजिस्लेटिव एक्सेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली चेक, तो नो बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड द सीट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज द राइट टू एड द सीट। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट हाउ मेनी सीट्स शुड बी शुड इट हैव। इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट हाउ मेनी सीट शुड इट हैव। ऑप्शन ए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू बी रिकोगनाइज एज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट हाउ मेनी सीट्स शुड इट हैव, तो 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच फंक्शनरी कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। तो विच फंक्शनरी कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो 5 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड हैव नॉट बी लेसर देन। तो एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। ऑप्शन ए 28 ईयर्स, ऑप्शन ए 18 ईयर्स, ऑप्शन बी 21 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स, ऑप्शन डी 26 ईयर। तो 6 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। ए ऑप्शन ए इट इज द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया। ऑप्शन बी है इट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी है इट इज बाई कैमरल इन नेचर। ऑप्शन डी है द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिजॉल्व। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट। ऑप्शन नंबर बी इट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, जापान पार्लियामेंट इज ओनर। तो जापान पार्लियामेंट इज ओनर, ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन नंबर सी युआन, ऑप्शन नंबर डी सोरा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डाइट। तो जापान पार्लियामेंट इज ऑल्सो ओनर डाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स ए डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हु सेड पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स ए डेली एज वेल एज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो 9 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स ए डेली एज वेल एज ए पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपका कहा था बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट। तो हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8।
तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 11 है चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज, तो चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज ऑप्शन ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ऑप्शन बी नेशनल असेंबली, ऑप्शन सी द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, ऑप्शन डी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चाइना, ऑप्शन ई नॉन ऑफ दीज। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, तो चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 12 है विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन ए आपका ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाई पुलिस अंडर एनी केस वेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, और दूसरा स्टेटमेंट है मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एक्सेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस इन द लॉ कोर्ट। तो विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 2, बोथ 1 and 2। तो विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी अरेस्टेड बाई पुलिस अंडर एनी केस वेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है मेंबर्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हैव द प्रिविलेज ऑफ एक्सेम्पशन फ्रॉम अटेंडेंस एज विटनेस इन द लॉ कोर्ट, ठीक है ये दूसरा सही है, फर्स्ट और दो सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए ऑनली लोकसभा, ऑप्शन बी ऑनली राज्यसभा, ऑप्शन सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन डी एनी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। द एक्सपेंडिचर टू बी इनकरेक्ट बाई द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड बाई वे ऑफ टैक्सेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाई द बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, और द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। द एक्सपेंडिचर टू बी इनकरेक्ट बाई द गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड बाई वे ऑफ टैक्सेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाई द बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ऑप्शन ए पार्लियामेंट, ऑप्शन बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन सी यूनियन कैबिनेट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू क्रिएट ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस, तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट, ठीक है संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 16 है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑप्शन ए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फॉर्म, ऑप्शन बी 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ऑप्शन सी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ऑप्शन डी 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ऑप्शन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 का राइट ऑप्शन नंबर ए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ द आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है यूनियन पार्लियामेंट वॉज अटैक्ड बाई टेररिस्ट ऑन, तो यूनियन पार्लियामेंट वॉज अटैक्ड बाई टेररिस्ट ऑन, ऑप्शन ए 2 दिसंबर 2001, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2001, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 2001, ऑप्शन डी 11 सितंबर 2001। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 दिसंबर 2001, तो यूनियन पार्लियामेंट वॉज अटैक्ड बाई टेररिस्ट ऑन 13 दिसंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 18 है एक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल, तो ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल, ऑप्शन ए विद इन 1 month, ऑप्शन बी विद इन 2 month, ऑप्शन सी विद इन 6 month, ऑप्शन डी विद इन 1 year। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विद इन 1 month। क्वेश्चन नंबर 19 है सुवर्जिनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाई, तो सुवर्जिनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाई, ऑप्शन ए पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन सी लीडर ऑफ द अपोजिशन, ऑप्शन डी पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल रिव्यू, तो सुवर्जिनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज रिस्ट्रिक्टेड बाई ऑप्शन नंबर बी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, द कोरम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन ए 1/5 ऑफ द टोटल मेंबरशिप,
ऑप्शन बी 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन सी है 1/8 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ऑप्शन डी है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्वेश्चन नंबर 21 है द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए लोकसभा ओनली, ऑप्शन बी लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी राज्यसभा एंड लोकसभा, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड लोकसभा। तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड द लोकसभा। ठीक है, द प्रेसिडेंट राज्यसभा एंड द लोकसभा द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट एवरी ईयर, तो इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर, ऑप्शन ए बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर, ऑप्शन बी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर, ऑप्शन सी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस बिल, ऑप्शन डी एंड हैज नो रिलेशन विद द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है, बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर, इकोनॉमिक सर्वे इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द कमिंग ईयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ऑप्शन बी यूनियन पार्लियामेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 23 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनियन पार्लियामेंट। तो हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यूनियन पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, ऑप्शन ए ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन बी मनी बिल, ऑप्शन सी फाइनेंस बिल, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। क्वेश्चन नंबर 25 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ द मोशन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स डिसक्वालीफाइड फॉर मेंबरशिप द डिसीजन ऑफ फीस आर रिमूवल इज टेकन बाय, तो इफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिकम्स डिसक्वालीफाइड फॉर मेंबरशिप द डिसीजन ऑफ हिज रिमूवल इज टेकन बाय, ऑप्शन ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन इंक्वायरी बाय सुप्रीम कोर्ट जज, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट इन अकॉर्डिंग विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो 26 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट इन अकॉर्डिंग विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द कंसर्न्ड हाउस, ऑप्शन सी द इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 28 है वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, तो वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो आपका 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, तो वेयर वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म, ऑप्शन ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 29 है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए अंडर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ऑप्शन बी अंडर प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन डी है अंडर द सुप्रीम कोर्ट। तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, तो सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 30 है विच नॉन मेंबर्स कैन बी, तो विच नॉन मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो आपका जो है विच नॉन मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन ए द वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी द सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी द अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स ए हंग पार्लियामेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स ए हंग पार्लियामेंट, ऑप्शन ए पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी, ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइन बट द पार्लियामेंट इज नॉट डिजॉल्व, ऑप्शन सी द पार्लियामेंट लैक्स द क्वोरम टू कंडक्ट बिजनेस
ऑप्शन डी ए लेम डक पार्लियामेंट। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ए पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली इस टाइप से हंग पार्लियामेंट, ए पार्लियामेंट इन विच नो पार्टी हैज ए क्लियर मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 32 है, द यूनियन बजट इज लेट बिफोर द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द यूनियन बजट इज लेट बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 112। ठीक है, द यूनियन बजट इज लेट बिफोर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल नंबर 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ऑप्शन ए विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, ऑप्शन बी विद द कंसेंट ऑफ ऑल, ऑप्शन विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट, ऑप्शन सी विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, ऑप्शन डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। तो आपका 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, तो ये आपका है, तो द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ पार्ट इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो ये है आपका विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन ए थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, ऑप्शन बी थ्रू कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स, ऑप्शन सी बाय मेकिंग द एडमिनिस्ट्रेशन सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, ऑप्शन डी बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स। तो इन व्हाट वेज डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मिलाना है। तो लिस्ट वन आपका कंट्री है और लिस्ट टू में आपका नेम ऑफ द पार्लियामेंट है। ठीक है, आपको बताना है कौन से सब सही होगा, ऑप्शन ए नीदरलैंड, बी यूक्रेन, सी पोलैंड, डी जापान, और इधर आपका डाइट स्टेट जनरल सुप्रीम काउंसिल और सेज में। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी। तो आपका जो है नीदरलैंड का हो जाएगा आपका 2 स्टेट जनरल, यूक्रेन का हो जाएगा आपका सुप्रीम काउंसिल, और पोलैंड का हो जाएगा सेज, और आपका जो है जापान का हो जाएगा डाइट। ठीक है, तो नीदरलैंड का स्टेट जनरल, यूक्रेन का है आपका पार्लियामेंट का नाम सुप्रीम काउंसिल, और पोलैंड का पार्लियामेंट का नाम है सेज, और जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइट। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल काउज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो हु ऑफ द फॉलोइंग शैल काउज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू बी लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग शैल काउज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय फाइनेंस कमीशन टू बी लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट, ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो, तो आपका वीडियो आज का यहीं पर समाप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।